गाइज देखिए कितना सुंदर रेस्टोरेंट है ओरिजिनल प्लेन के अंदर, और इसके अंदर आप बैठकर खा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए में। हेलो वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं रनवे वन रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ज्यादा मशहूर रेस्टोरेंट है। मैं काफी ज्यादा उसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एक फ्लाइट के अंदर बना हुआ है, यानी कि एक एरोप्लेन के अंदर, ओरिजिनल एरोप्लेन के अंदर है वो। फिलहाल अभी हम रिठाला मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको भी रिठाला मेट्रो स्टेशन आना पड़ेगा, और किसी भी गेट नंबर से आप एग्जिट कर सकते हैं और आपको एक रिक्शा लेना पड़ेगा। थोड़ी सी दूरी पर मेट्रो वॉक है जिसके अंदर रेस्टोरेंट है, तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। दोस्तों रिक्शे से हम उतर चुके हैं और थोड़ा सा दूर था, वैसे हम पैदल भी आ सकते थे मगर उन्होंने हमें लूट लिया, बोल दिया कि हम बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आप आना चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। फिलहाल अभी हम उतर चुके हैं, ये देखिए हमारे पीछे, अब अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों एडवेंचर आइलैंड के अंदर ही है ये, तो आ चुके हैं हम। फिलहाल अभी थोड़ी धूप हो रही है, हम थोड़ा दिन में ही निकल जाते हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं। दोस्तों जब आप एडवेंचर आइलैंड के गेट से अंदर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे बड़ा सुंदर सा लेक का व्यू होगा और उसके बीचों बीच आपको प्लेन दिख जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं सब कुछ कवर करूंगा। ये देखिए दोस्तों ये है एंट्री का गेट, और अगर आप यहाँ से एंट्री करना चाहते हैं तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप बोर्डिंग पास लेंगे। 200 रुपीज है बोर्डिंग पास का प्राइस पर पर्सन। बोर्डिंग पास का जो अमाउंट होगा वो फूड में एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके का आपका बोर्डिंग पास होगा, ये हमने दो लिए हैं तो इसने दो लिख दिए हैं सिम के अंदर, तो जो भी हमारा मेन्यू बनेगा जो भी अमाउंट होगा उसमें से 400 रुपए ये लोग माइनस कर देंगे। अगर हमें 1600 रुपए का खाना खाया है तो हमको अंदर जाके सिर्फ 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये है चेक इन गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये देखिए गाइस कितना बड़ा प्लेन है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल प्लेन है। जो ओरिजिनल प्लेन्स होते हैं वो कुछ टाइम में रिटायर्ड हो जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके अंदर कोई खराबी होती है कि नहीं, लेकिन कुछ टाइम में उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो वैसे ही एक प्लेन यहाँ पर लाया गया है और पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उसमें बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और ये कॉकपिट है, यहाँ से अंदर एंट्री होगी। गाइज ये देखिए ये प्लेन के विंग्स हैं, अगर आप अपना कोई इवेंट की वजह से या फिर आप कोई ओकेजन सेलिब्रेशन करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल इंडिविजुअल सेटिंग देंगे जो कि शाम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मौसम अच्छा हो जाता है तो। लेकिन अभी तो आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा मगर मौसम अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, अंदर पूरा एयर कंडीशनड है, तो अंदर चलते हैं। गाइज यहाँ पर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड कॉकपिट था जिसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। कॉकपिट उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर पायलट बैठकर एरोप्लेन को ऑपरेट करता है, और अगर आप यहाँ बैठकर पिक्चर क्लिक कराएंगे तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको, वो भी कम नहीं, 200 रुपीज, विच इज वेरी एक्सपेंसिव इन माई ओपिनियन। यहाँ पर एक अच्छी बात थी कि आपको प्रॉपर केक भी प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ के एम्बियंस के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, चेयर्स आपको दे रखी हैं, आप इस पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। अगर आपका थोड़ा बड़ा सर्कल आता है तो यहाँ पर आपको टेबल भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप दो लोगों का टेबल भी ले सकते हैं। यहाँ पर वेटर्स और वेट्रेसेस को थोड़ा लुक दे रखा था एयर हॉस्टेस टाइप का और केबिन क्रू टाइप का। काफ़ी सारे लड़के थे जो कि पायलट जैसे भी ड्रेसअप हुए हुए थे मगर काफ़ी सारे लोग प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं हमारे लिए। यहाँ का एम्बियंस में दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बलून्स वगैरह आप लगवा सकते हैं अगर आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं अपना बर्थडे या फिर अपनी एनिवर्सरी, और काफ़ी ज़्यादा बेसिक था ये। और एयर कंडीशन की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ का एयर कंडीशन चल तो रहा था बट जो लोग बुकिंग कर रहे थे उनको अलग से कूलर्स प्रोवाइड करे गए थे क्योंकि सॉरी टू से यहाँ का एयर कंडीशन बिल्कुल ही खराब था, बिल्कुल घटिया था। यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था यहाँ आने के लिए, लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है अगर आप वो सच में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। गाइज ये था यहाँ का मेन्यू, मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया है, आप पॉज कर कर आराम से देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, कितना क्यूट मिक्की माउस आया है। हेलो, अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर, भीड़ वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है बट कम भी नहीं है। दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो यहाँ की विंडोज भाई, धीरे कर बादल आ जाएगा, बादल दिख रहे हैं आपको यहाँ से। दोस्तों स्क्रीन पे आपको यहाँ की टाइमिंग्स दिख रही होंगी क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आते हैं और अगर आपको एक खुला नहीं मिलता तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए गाइज हमारा ऑर्डर आ चुका था, और हमने ऑर्डर करा था स्पाइसी चिकन पिज्ज़ा जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, देखते हैं खाकर कैसा लगता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए पैसे बचाने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा इशू हो गया है, कोल्ड ड्रिंक के लिए उन्होंने मना कर दिया है, कह दिया कि बाहर की मत यूज़ करना। और एक और चीज़ जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो देखिए इन्होंने किस तरीके से टमाटो केचप दिए हैं और चिली फ्लेक्स दिए हैं और ओरिगैनो दिए हैं, ये बताइए, फाड़ फाड़ कर डालना थोड़ा सा वो हो जाता है।
वेरी ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे बाहर चलकर, बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू देंगे इसका। अभी हम इसको एंजॉय कर लेते हैं जैसे तैसे, फिर आपसे बाहर बात करते हैं। और गाइस देखिए हमारा बिल आ चुका है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे बोर्डिंग पास दो लोगों के लिए 400 रुपीज़ के थे, तो वो पिज़्ज़ा में से लेस हो गए हैं और 85 रुपीज़ का हमारा बिल आया है इन टोटल। चलिए दोस्तों अब बाहर चलते हैं। वैसे तो हमने डिसाइड करा था कि हम और भी कुछ ऑर्डर करेंगे, बट हमने करा नहीं है। गाइज अभी हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आकर मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। YouTube पे इसका इतना अच्छा रिव्यू दिया हुआ है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। सारी वीडियो YouTube पे इसी के लिए है कि कितना ज़्यादा अच्छा है, मगर आपको कोई रियलिटी नहीं बताएगा। रियलिटी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर वाटर बॉटल के ऊपर बाल लगा हुआ था, मैं क्लिप अटैच कर दूंगा, आपको दिख रहा होगा, और मक्खियाँ उड़ रही थी। ये हाल था यहाँ का। सर्विस भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 20-25 मिनट लिए अपने पिज्ज़ा बनाने में। क्रस्ट इतना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार। मेरे को समझ नहीं आ रहा YouTube पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो डाल रखी है, पता नहीं पेड रिव्यू है या फिर क्या है, कोई भी नेगेटिव बात कर ही नहीं रहा। जबकि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये ऐसा है कि आप एक टाइम भी नहीं आ सकते। हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर रिठाला, हमने सोचा वीडियो बनाएंगे अच्छी खासी, हम भी अच्छा अच्छा रिव्यू दे सकते थे आपको, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। कोई इंसान आता है इतनी दूर से अपनी फैमिली के साथ, सोचता है इंजॉय करेंगे, अगर सब कुछ ऐसा होगा तो उसको कैसा फील होगा। मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पर आए। सबसे मेन बात, प्राइसेस ऐसे थे कि आपको बिल्कुल भी फूड को जस्टिफाई नहीं कर रहे वो प्राइसेस, इतने महंगे। 400 या 500 रुपए का पिज्जा था, गैस आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल बेकार पिज्जा था। बेसिकली ये सिर्फ एक एरोप्लेन का हाइप है, लोगों को लगता है कि हम जाके बैठें, देखें और इंजॉय करें, बट ऐसा वहाँ कुछ होता नहीं है। बट गाइज वी आर नॉट सेइंग दैट मेट्रो वॉक इज़ नॉट गुड प्लेस टू हैंग आउट विद योर चिल्ड्रंस। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप आ सकते हैं। यहाँ पर गेमिंग जोन है, तरह तरह की राइड्स हैं, यहाँ पर क्रिकेट एंड स्काई वॉक है, स्नो सिटी है, और भी बहुत सारी राइड्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसको आप अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो यही था आज का पूरा ब्लॉग। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।